प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट सीट एज पर वास्तु, तीन मुख्य तौर पे दिशा है जहां पे WCs अच्छे माने गए हैं एज पर वास्तु। जो पहली दिशा है वो साउथ साउथ वेस्ट है। अगर आप यहाँ पे अपना WC प्लेस करेंगे तो ये आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल रखेगा। दूसरी दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे वॉशरूम होगा तो ये आपका जो एंग्जाइटी और चर्निंग इश्यूज हैं उसको कंट्रोल में रखेगा। तीसरी दिशा है WNW की दिशा। ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल रखेगा और आपको मदद करेगा, जो भी आप डिटॉक्सिफाई जो आप अपने अंदर भर लेते हैं उसको कंट्रोल करने में मदद रखेगा अगर यहाँ पे वॉशरूम होगा तो। इसमें से थोड़ा सा मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा फर्क आ जाता है बिजनेस क्लास एंड सर्विस क्लास में। अगर आप सर्विस क्लास हैं तो जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया था ईस्ट साउथ ईस्ट, उसका वॉशरूम अच्छा है क्योंकि आपको आप एक सर्विस क्लास में है और आपको जो भी आगे आपका बॉस आपको बोलेगा आपको वो काम वैसे ही करना है। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास हैं तो आपके लिए वो चर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हाल ही फिलहाल में ही मैंने अपने क्लाइंट के यहाँ पे विजिट करा और उनके यहाँ पे पाया कि उनका वॉशरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में है और जो उनका दिमाग और उनका जो चर्निंग प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम है। तो मैं बिजनेस क्लास वालों के लिए यही उनको बोलूंगा कि अगर ईस्ट साउथ ईस्ट का वॉशरूम है और आपको अगर इस तरीके का सिम्टम आ रहा है तो आप उसको ब्लॉक करिए। और ब्लॉक किससे करेंगे? SS की स्ट्रिप से ब्लॉक करिए। SS की स्ट्रिप को आप अगर इंग्लिश वॉशरूम है उसके तीनों तरफ उसको ब्लॉक करिए, और अगर हिंदी वॉशरूम है, हिंदी WC है तो उसको चारों तरफ से SS की स्ट्रिप से ब्लॉक करिए। स्ट्रिप अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप देखना चाहते हैं इसका रिजल्ट, आप एक ग्रीन टेप लीजिए 4 इंच चौड़ी और उससे आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। थैंक यू।